हेलो फिफ्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम्स। टुडे वी विल डू योर लेसन 17, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एट अ ग्लांस। ठीक है जी, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे आप, उसके ऊपर आपको क्या दी हुई है, एक ग्लांस, एक लुक, एक झलकी दी हुई है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट, आपने पहले ही पढ़ा है हिस्ट्री क्या है, हमारी पास की स्टडी है। इसमें रिटर्न रिकॉर्ड है हमारी, जो पास्ट पूर्वज में जो भी इंसान हुए हैं, जो पर्सन पास्ट वाली स्टडी के बारे में पढ़ता है, उनके रिकॉर्ड्स को फाइंड करता है, उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। कहते हैं जो टाइम पीरियड है जिसमें क्रिश्चन जी का बर्न नहीं हुआ था ईसाई धर्म का, तो उस टाइम को बिफोर क्रिस्ट रेफर किया जाता है। जब ठीक है जी क्रिश्चियन का जन्म हो गया था, तब जो डेट्स थी वो उनको एडी के साथ रेफर किया जाता है, यानी कि एडी मीन्स एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, हमारे देवता के जो भी ईयर्स हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंध घाटी सभ्यता के बारे में। ये आपको पिक्चर किसकी दी हुई है, ग्रेट बाथ ऑफ सीटाडल की पिक्चर दी हुई है। कहते हिस्ट्री है जो इंडिया की हिस्ट्री बिगन होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड, इसका विकास हुआ था 3000 से 1500 साल पहले इनका विकास हुआ था, बिफोर क्रिस्ट। इसमें टू सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जो ये सिटीज़ हैं ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड थी, इंडस और रावी नदी के पास लोकेटेड थी। इन हम दोनों शहरों के अंदर से इनकी जो घर और सड़कें क्या थी, वेल प्लान थी। सीटाडल होता था उस मेन पार्ट था सिटी का, इसके अंदर पब्लिक बिल्डिंग्स, बाथ, ग्रैनरीज जैसे कि गोदाम, क्वार्टर्स, ठीक है जी, क्या करते थे, लोगों को सहारा देते थे, प्रोवाइड करते थे शेल्टर। उस टाइम ट्रेडर्स, फार्मर्स, लेबरर्स भी हुआ करते थे सिटी के अंदर। हाउसेस हमारे घर की तरह ब्रिक से ही बने होते थे। जो नालियाँ होती थी वो कवर्ड होती थी। जो सारा वेस्ट मटेरियल था वो शहर से बाहर एक गड्ढे में गिरा करता था। सभी घर के पास में क्या हुआ करती थी, जो भी ड्रेन सिस्टम था वो कवर था, नालियाँ सारी कवर थी। हाँ, जो घर होता था उनके अंदर एक कोर्टयार्ड था, यानी कि एक जो आपका बरामदा होता है ना वो हुआ करता था। एक कुआं भी हुआ करता था घर के अंदर। एनिमल्स को भी वो क्या करते थे, रियर करते थे, पालते थे, ठीक है जी, डोमेस्टिकेट किया करते थे। और हमें बहुत ज़्यादा सील्स मिली हैं मिट्टी की, ठीक है जी, जिसके ऊपर एनिमल्स के फिगर्स हैं बिने द अर्थ के अंदर से। द इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग थे बहुत गहने पहना करते थे, और वो किसकी पूजा करते थे, कुदरती देवताओं की पूजा किया करते थे। जैसे जब बारिश ज़्यादा पड़ती थी तो वो बारिश को पूजा करते थे कि भी शायद कि भगवान हमसे नाराज हो गए, तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की बजाय किसकी पूजा करते थे, नेचर की, कुदरत की। जैसे पेड़ों की पूजा कर ली, सन की पूजा कर ली, इंद्र देवता की पूजा कर ली, ऐसे पूजा किया करते थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है सडनली क्या होगी, डिस अपीयर हो गई 1500 BCE में। आफ्टर दैट आर्यन सिविलाइजेशन, जो आर्यन सिविलाइजेशन आई 1500 BCE के बाद क्या हुआ, आर्यंस आए हमारे देश के ऊपर, ठीक है जी, इंडियन यूरोपियंस पीपल कॉल्ड आर्यंस, जब इंडिया के अंदर हमलावर उनको आर्यंस कहा जाता है। इस पीरियड को हम वैदिक पीरियड भी कहते हैं। दे सब्जूड द लोकल पीपल एंड डिवाइडेड द सोसाइटी, कहते इन्होंने हमारे समाज के लोकल लोगों के अंदर आए और हमारे समाज को डिवाइड कर दिया। ये कास्ट सिस्टम, जात प्रथा इनके काल में ही आई। आर्यन से वो खुद तो क्या बन गए, ब्राह्मण, रूलर्स और वैरियर्स, फ्री फार्मर्स और मर्चेंट्स बन गए थे। हिंदू रिलीजन शामिल हो गया उस टाइम के अंदर। आर्यन थे वो किसकी पूजा करते थे, ये काफ़ी देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे विद सिंपल यजनास और सैक्रीफाइसेस, जिसमें जैसे वो नहीं करते हवन वगैरह या जानवरों की बलि देते हैं वैसे। इस टाइम के अंदर अब फोर वेदास भी लिखे गए, जिसमें रामायण और महाभारत भी इस काल के अंदर ही लिखे गए। जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी डिवेलप हुआ वैदिक पीरियड के अंदर। वैदिक पीरियड के अंदर जो हिंदू धर्म था ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सफुल हो गया था, उससे बचने के लिए एक नया धर्म आया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है जी। गौतम बुद्धा जी थे वो बुद्धिज़्म का, उन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म का प्रचार किया। इन द सेम पीरियड, उसी टाइम के अंदर ही महावीर जी ने ही जैन धर्म की नींव रखी। इन्होंने क्या किया, हिंसा का प्रचार किया, लेकिन दोनों धर्म थे वो किसके ऊपर डिपेंड थे, नॉन वायलेंस के ऊपर ही डिपेंड थे।
1500 BCE में। ठीक है जी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज कंक्वर्ड बाय पर्शियन किंग्स साइरस एंड डेरियस। इसमें क्या हुआ, हमले हुए और पर्शियन किंग्स ने, साइरस और डेरियस ने इंडिया के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर 326 BCE में। ठीक है जी, नॉर्दर्न इंडिया वॉज कंक्वर्ड बाय अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। अलेक्जेंड्रा ग्रेट मैकेडोनियन किंग था, इसने भारत पर हमला किया और उसने पुरु किंग को, ठीक है जी, किसमें हरा दिया, डिफीटेड द किंग पुरु इन बैटल में उसको हरा दिया और पंजाब के काफ़ी इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिर अलेक्जेंडर था, ठीक है जी, लेफ्ट बिहाइंड सम ऑफ द आर्मी चीफ्स टू रूल कंक्वर्ड टेरिटरीज, जहाँ जिस भी इलाकों को उसने जीता था उस पर रहने के लिए उनको वो छोड़ गया और अपने घर बेबीलोन वापस चला गया। मौर्य डायनेस्टी इन फोर्थ एंड थर्ड सेंचुरी BCE, ठीक है जी, फोर्थ और थर्ड सेंचुरी में क्या हुआ, जो एम्पायर था वो मौर्य एम्पायर के हाथ में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पावरफुल और मगधा का राजा बना, उसने ही मौर्य एम्पायर की नींव रखी। उसने 322 टू 298 BCE तक राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे अशोका, उन्होंने मगधा राज्य का विस्तार किया और एक बड़ी सारी एम्पायर बना दी। अशोका द ग्रेट वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ये बहुत महान योद्धा था। इसने क्या किया, इसने एक कलिंगा वार फाइट की थी, ठीक है जी, जिसके अंदर क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लोग मारे गए, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो उसने रियलाइज किया कि भाई जो किलिंग है उसमें मरते तो इनोसेंट लोग हैं, तो उसके बाद उसने कसम खाई कि वो कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा और उसने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। अशोक चक्र जो आप देखते हो हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में, ठीक है जी, इसी के रीन में, इसी के कार्यकाल में क्या हुआ था, क्या एस्टैब्लिश किया गया था, अशोक चक्र, जो ये पिलर्स हैं, ठीक है जी, मौर्य एम्पायर के अंदर ही क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था।